की एंटर मेंटेनेंस की हेयरिंग के लिए केस फिक्स था, साथ साथ आज के लिए पिछली डेट पे ऑनरेबल कोर्ट ने मीटिंग भी अलाउ की थी कि बाप की बच्चों के साथ मीटिंग होगी, जो आज मीटिंग करवाई गई। उससे पहले हमारी जो एंटर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी, अच्छा एंटर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में ये होता है कि जब तक ये केस चलता है तब तक कोर्ट कुछ अमाउंट फिक्स करती है कि जब तक ये केस चले तब तक बच्चों की मीटिंग करवाई जाए, तब तक बाप बच्चों को मेंटेनेंस देता रहेगा सर्टेन अमाउंट। उसकी हेयरिंग के लिए आज था, उस पर हमने हेयरिंग की, हमने एक एक चीज़ जस्टिफाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक उनका रिस्पांस इस तरह आया कि उनके रिस्पांस में यही कहा गया कि बाप इतने अमाउंट नहीं दे सकता जितनी हमने क्लेम किए। हमने बच्चों की एक एक रुपए की चीज़ जस्टिफाई की मेंटेनेंस की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई कि वो किस तरह नहीं दे सकता, इवन दो के सब लोगों को पता है कि किस तरह उनकी इनकम है, किस तरह की, और इवन के हमने उनकी इनकम का भी कोर्ट को बता दिया। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रूव करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 20,000 से ज़्यादा बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते पर मंथ। बाकी जो स्कूल एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी उन्होंने कहा है कि हम डिसाइड करेंगे जब आप हमें कोई लेटर लिखेंगे तो हम वो लेटर लिख देंगे, बाकी पर मंथ जो बच्चों की मेंटेनेंस आ रही है उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स यही दिया है कि 20,000 से ज़्यादा पर बच्चे की नहीं दे सकती। हमने जस्टिफिकेशन में एक एक चीज़ बताई है कि बच्चा अगर एक एक डे की मील अगर बच्चे की देखी जाए, बच्चों के बाकी एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फ़ी वगैरह देखी जाए तो वो 20,000 से ज़्यादा होती है, और वो सारी चीज़ें 20,000 में कवर करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आज आपने दलाल में अदालत को बताया कि फेरोज की आमदनी कितनी कितनी है, तो क्या प्रूफ रखे हैं आपने, सालाना कितनी आमदनी उसकी होती है और कौन कौन से? हमने जो एवरेज अमाउंट रखी वो 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान हमने रखी है, और उससे ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ कुछ हमने ड्रामों ड्रामों से, उनकी मूवीज से हमने एवरेज इनकम बताई हुई है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये है कि हमने एक कोर्ट के सामने एक नंबर रख दिया है। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप नेक्स्ट डेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और प्रूव करें कि आपकी इनकम कितनी है। अच्छा, लास्ट डेट पे जो एविडेंस सबमिट किया गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा कराए जी, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है और उनके वकला ने भी आज एतराज किया, उसको क्या कहेंगे जी? उसमें लोगों के सामने सारे हकूक हमने पहले ही मीडिया के सामने आ गए थे, कुछ मीडिया हजरात की वजह से लीक चीज़ें हुई थी, उसमें यही हुआ कि हमने अभी भी हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने कोर्ट में जमा करवाई, भले फॉरेंसिक तस्वीरों का करवा लें, भले वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स करवा लें, थाने से इनिशियल जो रिपोर्ट हमने रात को जमा करवाई है तशद्दुद होने के बाद, और दो जो JPMC के डॉक्यूमेंट्स हैं, MLO और मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर वो वेरीफाई करवाते हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उनको सारा रिकॉर्ड वहाँ से वेरीफिकेशन मिल जाएगी, और नेक्स्ट डेट पे वैसे लाइबिलिटी उनके ऊपर है, उनको चीज़ें ये वेरीफाई करवानी है कि हमारी चीज़ें झूठी हैं, उनको साबित करना है, लेकिन हम कोर्ट को इल्तजा करेंगे नेक्स्ट डेट पे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोटिस करें JPMC को भी और थाने को भी कि ये चीज़ों की वजाहत दे दें और इनको वेरीफाई करें कि हमारे डॉक्यूमेंट सच्चे हैं। अच्छा, ये बता दें, उन्होंने कहा है कि आपने जो एविडेंस रखे थे उसके बाद जो बात से हमसे जो प्रोजेक्ट थे वो वापस लिए गए हैं और हमारी आमदनी जो है वो खत्म हो गई है और आमदनी नहीं आ रही, जिस वजह से हम लाख रुपए नहीं दे सकते, तो इस पे क्या कहा आपने? इसमें आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो हमने जमा करवाई है, जिसमें यही एक प्रिंसिपल आता है कि दोनों पार्टीज को डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं बच्चों से रिलेटेड, अपनी इनकम से रिलेटेड, तो वो उसमें मेंटेनेंस बता देंगे हम इतनी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी ये वजूहत है, ये डॉक्यूमेंट्स है जिनकी वजह से हमारी इनकम इतनी नहीं है। तो आज उनको कोर्ट ने यही कहा है कि अगर आप 20,000 भी पर बच्चा इनकम बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते, आपकी इनकम नहीं है इतनी, तो आप अपनी आपकी चीज़ की वजाहत करें, डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके आएँ। अच्छा, मीटिंग के हवाले से बता दें, आज मीटिंग जो हुई है, मीटिंग स्मूथली हुई, पहले भी जिस तरह हमारा मौकफ था कि हमने कभी बाप को मना नहीं किया, इवन के ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस दादा और दादी की भी मीटिंग अलाउ की गई थी लास्ट डेट पे, जिस पे हमने बेसिक ऑब्जेक्शंस उठाए थे कि एज अ सिक्योरिटी रीज़न बच्चे अगर दादा दादी का NIC रखा जाए, वो कोर्ट ने अलाउ हमारी रिक्वेस्ट की थी, और आज मीटिंग उनकी भी होगी। फिरोज खान के साथ भी स्मूथली मीटिंग चली है, कोई मीटिंग में कोई इशू बीच में नहीं हुआ, कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि छोटी बच्ची थी साथ, उसकी वजह से माँ को मीटिंग हॉल में दूर बैठना पड़ा ताकि वो बच्चों छोटी बच्चों को लुकआफ्टर कर सके, 6 महीने की बच्ची है, 7 महीने की। जी, कहने से इल्ज़ाम मुस्तरद नहीं होते, उनके लिए उनको प्रूफ लाना पड़ेगा कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं वो वैलिड नहीं है, वो फेक या फोर्ज डॉक्यूमेंट है, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम खुद कोर्ट में जाएंगे नेक्स्ट डेट पे, हम इल्तजा करेंगे कोर्ट को, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद वेरीफिकेशन मंगवाएं, JPMC भी, थाने से भी, हॉस्पिटल और थाने से, दोनों से आप वेरीफिकेशन मंगवाएं और डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह हमारे सच्चे वहाँ से भी वेरीफाई होकर आएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई झूठे फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरह नहीं उनका लॉयर रिस्पॉन्सिबल है, अनप्रोफेशनल है, नहीं हमारे क्लाइंट है ऑन माई इंस्ट्रक्शन के वो इस तरह की चीज़ें जमा करें। आपकी सवाल का जवाब देते हैं, उन्होंने आज एक
लीगल नोटिस रखा है, उसमें कहा कि अलीजे ने जो है वो डिमांड की थी पैसों की, वो उनमें धमकी दी थी कि अगर नहीं दिए तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी, इस पे ये क्या वजह है इसका बता दें। इस पे मेरा यही है कि किसी को अपना लीगल राइट जताना कि मैं इस कानूनी रेमेडी की तरफ जाऊंगी तो लीगल धमकी कंसिडर नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ये वकील साहब ने जज्बात में बोल दिया, लेकिन इस तरह अपना लीगल राइट लेने के लिए जाना, इसको धमकी नहीं कंसिडर किया जाता। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग लागू भी हो सकता है, बहुत सारे आजकल फिल्मी डायलॉग आजकल अदालतों में चल रहे हैं, जो मेरे लर्नेड फ्रेंड बता रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।